आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से SBI ATM कार्ड से किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करेंगे, नया पासवर्ड किस तरीके से जनरेट करेंगे, बनाएंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप SBI के ATM कार्ड से किस तरीके से आप प्रोफाइल पासवर्ड को सेट करेंगे, नया पासवर्ड किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SBI प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, योनो SBI। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ बोल रहा परमिशन को अलाउ करने के लिए अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन दे मिल जाता है। यहाँ से आप न्यू SBI में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे एक्सिस्टिंग कस्टमर, इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पहला वाला जो ऑप्शन है लॉग इन विथ इंटरनेट बैंकिंग ID, आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ यस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ रेफरल कोड जो है ऑपरेशनल है तो यहाँ पर आप इसको नहीं भी डालेगा तो चलेगा। तो ये अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करके आप इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये सबमिट हो चुका है, या नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला जाएगा सेट योर परमानेंट MPIN ऑफ योर चॉइस फॉर योर अकाउंट। तो अकाउंट में से आप कोई भी 6 डिजिट का डाल दीजिएगा, लास्ट पे जो अकाउंट है, और यहाँ पे आप अपना एक MPIN सेट कर लीजिएगा। चलिए हम अपना जो है यहाँ पे MPIN डाल देते हैं। आपको जो भी MPIN डालिएगा वो आपको यहाँ पे दोबारा से कंफर्म कर देना है। MPIN डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपके जो मोबाइल है उस पर एक OTP आएगा। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर OTP आ गया है, तो मैं यहाँ पे जो OTP आया है मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे इस पे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पूरा प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे है सर्विस रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता होगा सेटिंग का, सेटिंग वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप भूल चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम नया बनाएं तो यहाँ फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपको ATM कार्ड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है और ATM पिन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो इसमें से आप जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहते हैं इसमें से आपको भी एक इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एंसर कोई भी डाल देना है, नाम वगैरह किसी का डाल देना, ठीक है, तभी आप बहुत ही आसानी से यहाँ सबमिट करके बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप ATM कार्ड नंबर से और ATM पिन जो है के पास उससे आप कैसे बनाएंगे। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। इस तरीके से आपको हटा देना है और मैं इसको इस तरीके से हटा देता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ATM कार्ड नंबर और ATM पिन से किस तरीके से बनाएंगे। कार्ड नंबर है वो आपके ATM कार्ड नंबर आपको यहां पे डाल देना, ठीक है। तो मैं अपना कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, जो मेरा कार्ड नंबर है इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और आपका जो भी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर 12 डिजिट डाल देना है। यहाँ पर आपको पिन डाल देना है, जो भी आपका पिन है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। ये नया ऑप्शन आया है जो SBI योनो की तरफ से है, पहले ये ऑप्शन नहीं था ATM कार्ड से, तो अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके, तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर देखिए कि 8 करेक्टर से 20 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए कि कॉम्बिनेशन है अल्फा डिजिटल होना चाहिए, ठीक है, और स्पेशल करेक्टर भी आपको पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंटेंट डिजिट 0 से 9 नंबर भी कोई दे सकते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अल्फाबेट है और यहाँ करेक्टर स्पेशल करेक्टर।
तो शुरू कर दीजिएगा कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई स्पेशल करेक्टर और कोई नंबर आप दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड चूज कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को मैंने यहाँ से दोबारा से कन्फर्म कर दिया, इसके बाद यहाँ कन्फर्म वाले पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आ चुका है, चलिए यहाँ से हम लॉग इन हो जाते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ एम पिन या यूजर आई डी जो है आपका वो डाल के आप इस पे लॉगिन हो सकते हैं। तो आप एम पिन भी सेट कर लीजिए, मैं यहाँ एम पिन सेट कर लिया था, तो मैं यहाँ पे एम पिन डाल देता हूँ। एम पिन डालते ही फिर से यहाँ पे आप ओपन हो गए हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट पर जाएंगे, यहाँ सेटिंग वाले पे जाएंगे, यहाँ जो है रीसेट प्रोफाइल का इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे। तो जो भी आप सेट किए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जो पासवर्ड सेट किया हूँ वो यहाँ पे डाल दिया हूँ, यहाँ सबमिट वाले में क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए कि आप पासवर्ड जो डाले हैं, डालते ही यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आया हुआ है, OTP आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है और यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं तो आपका देखिए पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पासवर्ड चेंज और यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो इस तरीके से आप जो है अपना पासवर्ड ATM कार्ड से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ATM कार्ड से आप SBI का प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।